नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। आज की इस वीडियो में आपको ऐसी पांच चीजें बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर के बिना। जनरली हम अपना पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इधर से डेटा उड़ा है उधर डाल दिया, बट मैं आज आपको ऐसे पांच तरीके बताने वाला हूं या पांच ट्रिक्स बताने वाला हूं या पांच यूज बताने वाला हूं जो आप पेन ड्राइव के ले सकते हैं और अपने कंप्यूटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि यार ये पेन ड्राइव में डेटा डाल देना, यार ये मूवी या गाने इसमें डाल देना, यार ये सॉफ्टवेयर इसमें डाल देना, मैं अपने लैपटॉप में कॉपी कर लूंगा। बट आपको नहीं पता है कि पेन ड्राइव के और भी ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि मैं आपको आज ऐसे कुछ पांच चीजें बताने वाला हूं जो आप पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं जिसमें डेटा ट्रांसफर बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, बट इन पांच चीजों से जो आपका कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस है उसको आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हो। मैं सबसे पहला जो आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहला यूज है आपके पेन ड्राइव का वो आप कर सकते हैं एज ए की, एज ए पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर। उसमें क्या करेंगे, एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर है प्रीडेटर जो कि फ्री है, PREDATOR सॉफ्टवेयर predator.com, वहां से जाके आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या, इंस्टॉल करना है, कॉन्फिगर करना है। उससे क्या होगा, आप अपने लैपटॉप में जब भी वो पेन ड्राइव लगाएंगे तभी वो लैपटॉप या पीसी आपका अनलॉक होगा, सिर्फ पासवर्ड से या सिर्फ ओपन करने से पीसी ऑन नहीं होगा। एक जो आपकी पेन ड्राइव है वो आपकी की बन जाएगी। आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं आप नहीं चाहते कि कोई पासवर्ड डाल के भी क्रैक करे या कोई एडमिन में जाके आपका पासवर्ड देख ले, आप ये नहीं चाहते, तो आप अपनी पेन ड्राइव को भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। बस आपको प्रीडेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ फ्री है, और कॉन्फिगर करना है उसे, और आप इजीली अपने पेन ड्राइव को एक की बना सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरा यूज आप इसका ले सकते हैं कि आप इसमें सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एप्लीकेशन है पोर्टेबल एप्स। उसमें क्या होता है कि कोई भी जो आपकी जरूरी सॉफ्टवेयर है आपने उस पेन ड्राइव में इंस्टॉल किए हुए हैं, और उसके बाद आपको जहां भी यूज करना है उस पेन ड्राइव को लगाओ, वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल मिलेगा, यूज कर लो। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, गूगल ऑफिस हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ अपनी पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव जेब में रखी हुई है, आप कहीं भी जा रहे हैं आपको इन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, आपने वो पेन ड्राइव लगाई अपनी और आप वो सॉफ्टवेयर इजिली यूज कर सकते हैं, भले उस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पेन ड्राइव में अगर वो इंस्टॉल्ड है तो आप उसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नई ट्रिक पता था, बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो तीसरा यूज है वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पेन ड्राइव को एज ए एंटीवायरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर लैपटॉप में या पीसी में आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया तो पीसी या लैपटॉप स्लो हो जाता है। अगर बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है या i3 है या i5 है, कहीं ना कहीं लैग करने लगता है, कहीं ना कहीं आपका लैपटॉप या आपका पीसी स्लो हो जाता है। यहाँ पर आपको जाना है avg.com में, वहाँ पर आपको पोर्टेबल एंटीवायरस मिलेगा, वो एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना है अपने पेन ड्राइव में। आप कहीं भी गए वो पेन ड्राइव लगाई और आप कोई भी चीज़ जो स्कैन करना चाहते हैं उस पेन ड्राइव के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उस लैपटॉप में अगर एंटीवायरस नहीं है, मान लीजिए आपने कहीं बाहर आप गए हुए हैं किसी लैपटॉप में या सिस्टम में, आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, आप नहीं चाहते कि उस सिस्टम का वायरस इसमें आ जाए, आपके पास वो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव लगाया आपने, वो डेटा जो आपको अपने फ़ोन में ट्रांसफर करना है स्कैन किया, देखा वायरस फ्री है, आपने उसको अपने फ़ोन में डाल दिया, वायरस की टेंशन ही रही, तो ये यूज़ भी आप पेन ड्राइव का बहुत इजीली कर सकते हैं। जो अगला इस्तेमाल है वो जनरली लोग करते ही हैं, आपको भी मुझे उम्मीद है बिल्कुल पता होगा, बूटेबल पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं आप उसको बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं जिससे कि आप अपने लैपटॉप में या पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है उसको इंस्टॉल करना है, पेन ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी और वो बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। कहीं भी या किसी भी लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाएंगे आप, उसमें विंडोज़ जो भी आपने विंडो या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है उसको इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। वहां पर आपको DVD, CD इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। जो लास्ट और आखिरी जो मुझे यूज़ बहुत ज़्यादा लगता है और मैं खुद भी ये जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यहाँ पर आप अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपके सिस्टम में 4GB या 5GB या 6GB रैम है, आपको लगता है कि थोड़ी रैम ज़्यादा होती तो ये जो अपना मेरा गेम है ये लैग नहीं करता, आप कोई हाई टास्क कर रहे हैं
जिसमें कि रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, तो वहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव को लगा के उसकी रैम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 GB की पेन ड्राइव है और आपको लगता है कि आप 4 GB डेडिकेट करना चाहेंगे अपने सिस्टम के लिए, जहाँ पर आप उसकी रैम बढ़ जाए और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो आप इजीली जाके वो बूट जो प्रोसेसर होता है, प्रॉपर्टीज में जाना है, बूट का एक होता है ना बूस्ट, सॉरी बूट नहीं बूस्ट प्रोसेसर होता है, बूस्ट दिस, बूस्ट में डाल के जितना भी स्पेस आपको पेन ड्राइव से लेना है आप लेके उसको पेन ड्राइव का एक रैम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे शानदार ट्रिक है, क्योंकि मैं भी जब भी गेम खेलता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मैं एक पेन ड्राइव लगाता हूँ 8 GB की, 6 GB की रैम उसकी इस्तेमाल कर लेता हूँ, बूस्ट प्रोसेस लगा लेता हूँ और बहुत शानदार तरीके से गेम चलने लगती है। यहाँ पर आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर आप अलग से रैम लगवाने जाएंगे आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। पेन ड्राइव 200-300-400 रुपये आपको इजीली मिल जाएगी, लगाइए रैम बढ़ाइए। आपके अगर आप पीसी है तो उसमें आप परमानेंट लगा के रैम बढ़ा के छोड़ दीजिए, आपका सिस्टम शानदार तरीके से चलेगा। यहाँ पर ये कुछ 5 ट्रिक्स थे जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये 5 चीज़ें जनरली लोगों को नहीं पता है। इसमें से एक तो बूटेबल वाली पता होती है, बाकी बहुत सारी नहीं पता होती, तो मुझे लगा मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले हैं, अपने दोस्तों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा समाप्त। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेन ड्राइव का अलग अलग इस्तेमाल कर सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।